BH News, सबसे अलग। आपने बच्चों को तो मिट्टी खाते देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इंसान के मिट्टी खाने की बात सुनी है? जौनपुर में एक इंसान ऐसा है जो पिछले 25 सालों से लगातार 3 से 4 किलो मिट्टी खा जाता है और उसको कोई भी बीमारी नहीं है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर सुई थाकला ब्लॉक के करीमपुर गांव में घर के बाहर मिट्टी लेकर उसे फोड़ रहे इस व्यक्ति का नाम बरसातू वर्मा है। बरसातू की रोजाना की आदत है कि वो मिट्टी को लेकर घर आते हैं और फिर पत्थर से उसे फोड़ते हैं। मिट्टी को फोड़ने के बाद बरसातू उसे ऐसे खाते हैं जैसे वो खाना या दाना खा रहे हैं। मिट्टी के साथ में बरसातू चूना खाते हैं और बीच बीच में पानी भी पीते हैं। आप भी देखिए तस्वीरें कि कैसे ये व्यक्ति मिट्टी का भोग लगा रहा है। मिट्टी खाने का काम बरसातू के लिए नया नहीं है, बल्कि वो पिछले 25 सालों से मिट्टी खा रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसातू रोजाना 3 से 4 किलो मिट्टी खा जाते हैं। मिट्टी खाने वाले इस युवक का कहना है कि 25 साल पहले उन्हें दिल्ली में दमा की बीमारी हुई थी, उसके बाद वो घर आ गए। खेत में एक दिन उन्हें मिट्टी खाने का मन हुआ, तभी से वो मिट्टी खाने लगे। युवक का कहना है कि मिट्टी खाने से उनकी बीमारी दूर हो गई और जब भी वो मिट्टी खाना बंद कर देते हैं तो कोई ना कोई बीमारी उन्हें हो जाती है। इसलिए प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मिट्टी खाते हैं और तकरीबन 3 से 4 किलो मिट्टी वो रोजाना खा जाते हैं। 15-16 साल खाते हो मैं, और मिट्टी अच्छी लगती है और हमें फायदा करती है। दमा पकड़ा मुझे दिल्ली में, 15 साल में काम किए, जब मुझे वहाँ पकड़ा दमा करा, उसका इलाज करा हमने तो हमने ठीक हो गया साहब। जो जिस डॉक्टर हमारी दवाई किया है वो दवाई हार्ड थी, वो दवाई खाते खाते 3 साल में पेट में कब्ज हो गया। ना जब कब्ज हो गया तो हमने काम करने दिल करता था, खाना खाने दिल करता था। हम वहाँ चले आए घर पे, दिल्ली से छोड़ करके घर पे चले आए। जब घर पे आए तो खेत में जाते मिट्टी खाने का मन करता था, तो खेत में ही मिट्टी खाना हमने शुरू कर दिए। इसे खाते खाते हमारा बीमारी ठीक हो गया, कब्ज हमारा खत्म हो गया। मिट्टी के साथ बरसातू चूना खाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि चूने में कैल्शियम होता है और इसलिए वो मिट्टी के साथ साथ थोड़ा चूना भी खा लेते हैं। युवक के मिट्टी खाने की बात विदेशों में भी पता है। मिट्टी खाने की सूचना पर कोरिया के लोग भी उनसे मिलने पहुंचे थे और डॉक्टर्स ने उनकी जांच करवाई थी, जिसमें डॉक्टर्स ने उन्हें कोई बीमारी नहीं होने की बात कही थी। डॉक्टर पूरा जांच किए तो हमारे शरीर में कोई मर्ज नहीं था, पूरा शरीर ठीक था। डॉक्टर मैंने कही बेटा मिट्टी मत खाओ, थोड़ी थोड़ी जब करके तुम ढेर ज्यादा खा रहे हो, 3 किलो 4 किलो खा रहे हो, छोड़ दो मिट्टी। अच्छा साहब, उस समय मैंने छोड़ दिया, उनका कहा मान लिया मैंने, कोरिया वाली समझाती है, डॉक्टर भी समझाता। तो 6 महीने तक मेरी मर्जी फिर पकड़ लिया, जब फिर पकड़ लिया फिर खराब हो गई थी, हमारी मर्जी फिर ठीक हो गई। ऐसी खाते खाते मैंने मिट्टी कभी छोड़ा नहीं। चूना खाते हैं साहब, चूना से मुझे कैल्शियम मिलता फर्स्ट क्लास, डॉक्टर लोग बताए हैं। तो हाँ, इसनोफेलिया है, शुगर है, तो चूना जो शुगर में बलगम बनता है, बलगम से हमने चूना जो है बलगम छाड़ता, मिट्टी हमारी खाना पीना हजम करती है और फर्स्ट क्लास में ताकत मिलती साहब। वहीं गांव के लोग भी इस बात से हैरान हैं। लोग बताते हैं कि ना कोई बीमारी है और ना ही कोई काम करने में उसे कोई कमजोरी महसूस होती है। 25-25 साल से कोनो बीमारी नहीं है, खूब काम बूत कर सहन और स्वस्थ वाटन, राशन रोटी जितने मटिये खा सहन वो कट डेढ़ा रसना उठावे थे, राशन में कोनो दिक्कत नहीं आई, नहीं परोस के जिया अब कभी यह न जाए पे खाए दुरुस्त। 25 साल से शरीर ठीक है उनका, कोई दिक्कत नहीं उनका है। हाँ, कैसे खाते हैं मिट्टी, आपने देखा इनको खाते हुए कैसे खाते हैं? हाँ, चूना मिला खाते हैं भर्रा मिट्टी भूख के। दिन भर में कितना मिट्टी खा जाते हैं? जो 4 किलो लमसम एक दिन का, ना कोई परेशानी उनको नहीं है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि मिट्टी खाने से तरह तरह की बीमारियां होती हैं और अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो जांच के बाद पता चलेगा कि उसके शरीर में मिट्टी खाने से क्या क्या बीमारियां हैं। देखो, मिट्टी में जो भी वो हैं, कीड़े वगैरह हो सकते हैं, हुकवाम टेकवाम, ये सब इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हालांकि वो 20 साल से खा रहा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ होगा, इस वजह से
हमारे ख्याल से उसको कोई बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन तब भी अगर ब्लड टेस्ट कराए हम लोग स्पेसिफिक लीवर के लिए, लीवर पे ही जाता है जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो लीवर से ही मेटाबोलाइज होकर तब आगे बढ़ता है, तो उसका एक लीवर तो जांच करना पड़ेगा कि क्यों वो खा रहा है मिट्टी और कोई दिक्कत क्यों नहीं हो रही है। चूना खाता है, चूने में काफ़ी कैल्शियम की मात्रा होती है, तो चूना, लेकिन ये सब भी एक लिमिट के तक ठीक है, ये अनलिमिटेड खा रहा है इसको जो है, हालांकि आश्चर्य का विषय तो है कि आदमी मिट्टी खा के इतने साल से कैसे चल रहा है, लेकिन एक बार उसका लीवर और किडनी की जांच होगी। दूसरा ये जो है मिट्टी खाने का, ये तो हमारे ख्याल से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अब चूंकि वो पहले खाता रहा होगा अभी तक तो खाता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है उसको सब एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं, जैसे आयरन है तो खून की कमी होनी चाहिए उसके अंदर। डॉक्टर्स के अनुसार जरूर कोई ना कोई बीमारी बरसातू को होगी, लेकिन बरसातू और उसके गांव वालों के हिसाब से उसे कोई बीमारी नहीं है। बरसातू द्वारा मिट्टी खाने की यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। VH News, सबसे अलग।